को इस बात की जानकारी दी। स्टेशन मास्टर द्वारा थाने पर इसकी सूचना दी गई थी रात में लगभग 12 बजे। जब मौके पर पहुंचकर सूचना पर इंस्पेक्शन किया गया तो उसमें किसी महिला की डेड बॉडी, चूँकि उसमें सिर दिख रहा था इसलिए महिला की डेड बॉडी होने की संभावना लगी। रात में पंचनामा कार्रवाई संभव नहीं थी इसलिए सुबह FSL अधिकारी मंडलोई साहब और पुलिस अधीक्षक महोदय एस रेल मौके पर उपस्थित हुए और उनकी उपस्थिति में निरीक्षण करने के बाद में फिर जब पैकेट खोले गए, खोलने पर पता चला कि किसी अज्ञात महिला को दो पार्ट में, मतलब एक कमर से सिर तक का हिस्सा एक ट्रॉली बैग में था और एक दूसरा पार्ट जो है कमर से और घुटने तक का हिस्सा एक दूसरे प्लास्टिक की आटे की बोरी में पैक करके उसको अच्छे से रस्सी से बांध के और रखा गया था। महिला के दोनों हाथ जो शोल्डर्स के पास से हैं वो अभी उसमें बॉडी के साथ में नहीं मिले हैं और दोनों पैर के नीचे के घुटने से नीचे का जो पैर है वो भी गायब है। अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध में जांच उपरांत 302 का प्रकरण कायम किया जाएगा। अभी कार्रवाई चल रही है और पंचनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया जा रहा है। चूँकि कंधे से दोनों हाथ ही गायब हैं और दोनों पैर गायब हैं इसलिए न तो महिला की भी शिनाख्त हो पाई है और न ही उसमें कुछ ऐसे निशान मिले हैं जिससे किसी निष्कर्ष पर अभी पहुँचा जा सके। लेकिन चूँकि बॉडी दो पार्ट में है, काट के उसको पैक किया गया है, दोनों हाथ गायब हैं, दोनों पैर घुटने के नीचे से गायब हैं इसलिए प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होता है। चूँकि बॉडी 2 से 3 दिन पुरानी है और थोड़ा सा डिकम्पोज हो चुकी है, बॉडी फूल गई है इसलिए अनुमान ये है कि लगभग 20 से 25 साल की कोई महिला हो सकती है। ये महू से इंदौर पैसेंजर ट्रेन, तो 4 नंबर प्लेटफार्म से गाड़ी यार्ड पर जब पार्क हुई मेंटेनेंस के लिए तो उसमें जो सफाईकर्मी रिंकू सिंह ठाकुर है उसने गार्ड के पीछे वाले डिब्बे से और सफाई करना स्टार्ट किया तो गार्ड के डिब्बे के जस्ट आगे वाला डिब्बा जनरल डिब्बा था उसमें 2 नंबर के केबिन में सीट के नीचे दो पैकेट में कोई अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी जैसे उसको प्रतीत हुई उसने और उसमें से स्मेल भी आ रही थी। और रिंकू ने इस बात की सूचना अपने सुपरवाइज़र को दी, सुपरवाइज़र ने स्टेशन मास्टर Look at that.